हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी की तरफ से जारी किए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस की। और ये जो नोटिस है ये है आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड। यहाँ पर बात करें किस भर्ती की ज्वाइनिंग हुई है। एडवर्टीजमेंट 15/19 कैटेगरी नंबर 11 VLDA की पोस्ट थी, वेटरनरी लाइव स्टॉक की यहाँ पे पोस्ट थी, डेवलपमेंट असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में। तो VLDA वाले बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। देखिए यहाँ पे बात करें सीरियल नंबर से, रोल नंबर है ये, इनके पिताजी का नाम और इनका नाम, एड्रेस ये है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट हुए हैं, EWS कैटेगरी में थे, अगेंस्ट जनरल के अगेंस्ट सेलेक्ट हुए हैं। तो फतेहाबाद में ही टेम्पोररी यहाँ पर स्टॉप गैप मिलता है, एलोकेशन वर्क या इनका फतेहाबाद में ही रहेगा। ये हिसार से थे और यहाँ पर EWS से यहाँ पर ये हिसार में ही सेलेक्ट हुए हैं। बात करें नीचे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्क एलोकेशन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने यही डिस्ट्रिक्ट दिया है। एक सेकंड में देख लेती हूँ, यस यही है, कैटेगरी रिमार्क्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्क टेम्पोररी स्टॉप गैप। ओके, कैंडिडेट का एड्रेस भी दिया है। हम नीचे चलते हैं और बिल्कुल नीचे चल के बात करते हैं, ये भाई जो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है उनका नाम दिया गया है, उनके गांव का नाम, उनका एड्रेस, उनके पिताजी का नाम, रोल नंबर, ये सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 18 पेज का PDF है ये, जहाँ पे आपको सारे कैंडिडेट के रोल नंबर मिलेंगे। यू आर अपॉइंट प्योरली ऑन द टेम्पोररी प्रोविजनल बेसिस, योर अपॉइंटमेंट इज अगेंस्ट टेम्पोररी पोस्ट एंड कन्फर्मेशन अगेंस्ट सबस्टेंटिव पोस्ट विल बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ योर सीनियोरिटी एंड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस व्हेन सच पोस्ट विल बी अवेलेबल। ये होता है ना 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड, अभी ये सिर्फ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है। यू विल बी एन प्रोबेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 2, देखो आगे वाली लाइन में लिखा ही हुआ है, पीरियड ऑफ 2 ईयर्स का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आपका ट्रेनिंग का टाइम भी इंक्लूड होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ योर ड्यूटी विच कैन बी एक्सटेंड भी हो सकता है, अगर ज़रूरत पड़ी 3 ईयर का भी कर सकते हैं। इन केस योर वर्क एंड कंडक्ट ड्यूरिंग प्रोबेशनरी पीरियड इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, इन 2 या 3 सालों में अगर आपका काम अच्छा नहीं मिला, अगर आपका बिहेवियर मिसकंडक्ट मिला, तो योर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस। मैं बताती हूँ ये क्या होता है। मान लो आप 2 या 3 साल से नौकरी कर रहे हो आप अपने डिपार्टमेंट में, अब हुआ क्या कि भाई आपने DV के टाइम पे ये नहीं बताया कि आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, क्योंकि वेरिफिकेशन तो होती है ना, ज्वाइनिंग के बाद भी आती है, वेरिफिकेशन होती है, तो अब ये नहीं बताया कि आपके ऊपर कोर्ट केस था, बाद में पता चलता है, तभी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सर्विस में रहते हुए कोई रिश्वत लेते हैं या कोई ऐसा भी कंडक्ट बिहेव करते हैं अपने सीनियर के साथ, अपने ऑफिसर के साथ, तो भी ये कर सकते हैं। यू विल हैव टू गिव 1 month नोटिस और डिपॉजिट 1 month सैलरी ऑन अलाउंस। देखो अगर आप रिज़ाइन दे रहे हो, मान लो कि आपका यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपने किसी इससे भी बड़ी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, आपने यहाँ से रिज़ाइन देना चाहते हो, तो यू विश टू बी रिज़ाइन एट एनी टाइम फॉर द पोस्ट, यू विल हैव टू गिव 1 month पहले नोटिस देना पड़ेगा, आपकी NOC देनी पड़ेगी 1 month पहले आपको यहाँ पे, और अपनी 1 month की सैलरी और जितने भी अलाउंसेज हैं यहाँ पे जमा कराने होंगे। यू विल हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट टू अफेक्ट दैट यू आर नॉट मैरिड अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज अनदर लिविंग स्पाउस। मतलब आपके पास, मतलब अगर कोई मैरिड है तो भाई वो 2 शादियाँ नहीं कर सकता, ये वाली कुछ चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो गाइज वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर भाई किसी का कोर्ट चला हुआ है, फर्दर दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू बी फाइनल आउटकम, ये दे रखा है, पेंडिंग है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये आपका रिजल्ट आएगा बाद में, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें, कैंडिडेट अनूप सिंह सेलेक्ट हुए, मेरिट नंबर दिस, इनका रोल नंबर ये था, इन्होंने रिट पिटिशन डाली थी, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके रिजल्ट कब तक आने वाले हैं, तो आपका भी सेम इसी तरह का लेटर क्या नोटिस आएगा कि भाई कौन कहाँ पे यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट्स के बारे में, तो आपके रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ALM का जो रिजल्ट है वो 28 तारीख से पहले भी आ जाए और 28 तारीख तक भी आ जाए।
बाकी 14/19 और 15/19 के रिजल्ट आते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ा सा टेक्निकल डिग्रीज का प्रॉब्लम है तो लेट हो सकता है, अदरवाइज आपकी भर्तियों में कोई इशू नहीं है, आपका रिजल्ट आ सकता है। बड़ी भर्तियों के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो मैं ALM का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, क्योंकि पुलिस के आप देख सकते हैं रिजल्ट मई में भी आने के चांसेस नहीं है। कोर्ट की हियरिंग है 11 मई की, आई थिंक एक डेट और मिलेगी, उसके बाद जून में रिजल्ट आने की संभावना है। उससे पहले फीमेल का आ सकता है भाई मई में आ तो, ठीक है। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द VLDA पोस्ट ऑफ द ज्वाइनिंग लेटर। आई होप सो गाइस दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।